IMF की प्रॉपर्टी सेक्टर जरई शोबे को टैक्स नेट में लाने की शर्त। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। IMF के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के बाद कड़ी शराइत। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान जिमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। ANFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। गजा अजनास की इमदादी कीमतों का तायुन भी नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के हजम और अखराजात में कमी की शर्त भी माहदे का हिस्सा होगी। उधर IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी। IMF के प्रॉपर्टी सेक्टर में जरई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमोहर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जब में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी कैटेगरी का हिस्सा। 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी FBR के रडार पर। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाजाबता समाप्त के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया गया। अगले समाप्त पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मामनत के लिए तलब कर लिए गए। वकील अजहर सिद्दीकी ने दलाल दिए, सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेनेटर शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरे ने इस्तफसार किया, क्या नाम ECL से नहीं निकाला गया? वकील ने जवाब दिया, ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले, ये मामलात असेंबली में क्यों नहीं बताते, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। वकील ने जवाब दिया, वहां तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा समाअत करेंगे। बानी PTI बुशा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर बासी, अमजद परवेज पेश होंगे। वकील सफाई उस्मान गुल नैब के आखिरी गवाह पर जिरह जारी रखेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा उसे स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसों की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। इलाकाई आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और कश्मीर के मज़मूल आवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैन-उल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन सलामती को फ़रोग़ देने में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वफाकी हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए अहम इकदाम पर गौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ कम किया जाएगा। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तलाह ख़त्म करने जा रही है। लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी का डेटा मौजूद है, हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। GSP+ प्रोग्राम पाकिस्तानी बरामदात के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है।
पाकिस्तान को फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर की किस्त जारी। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। IMF की जानिब से 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के फौरी बाद कड़ी शराइत आयद। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़मीनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वामे मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बास कड़े फैसले मुल्क के मुफाद में बजट के वक्त किए। IMF के वफद ने हमारी हुकूमत को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफद से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की आवाम और आदमादी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जेवा और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की तारीफ की। सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी असलाहत, गुरबत में कमी और बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए तआवुन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। ज़रा के मुताबिक बिडिंग की तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई। अचानक बोली की तारीख बढ़ने से निजकारी में दिलचस्पी वाली कंपनियां हैरान होकर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में रिमझिम होगी। 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कराची का मौसम गर्म। आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जज से रवैया इंतहाई सख्त था। रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों का एहतराम ना किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दायर रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजिस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी मुआजरत पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी में शामिल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज़ में समाप्त के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक की बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में थे जिन्होंने मुकदमा के बोर्ड से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलत की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजिस को 1100 मुकदमा की समाप्त तक ही महदूद कर दिया। शरीयत एप्लिक बेंच के मुकदमा भी नहीं सुनने दिए गए। ऑडियो लीक केस में हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाप्त के लिए मुकर ही नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को जजिस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत। अपने जवाबी खत में लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंचा गया था। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का अख्तियार दिया गया है। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपके जान से मुझ पर जजिस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया है। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वह बताने की ज़रूरत नहीं।
पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। कमीशन ने इबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। वफाकी वज़ीर वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शामिल। आईनी तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था मौलाना ने आईन पर शब खुन मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। कुछ ऐसी अफवाहें जेर गर्दिश हैं कि मौलाना ने हुकूमत की बात मान ली, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, एक कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी तलात पीटीआई के अहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम मरकजी सेक्रेटरी तलात तैनात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर्स लगाए, मैं किसी की भी नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हेलीकॉप्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिश बहुत आती है, MNA MPA सभी सिफारिश लाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें। सारे देखे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जिस जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाजे तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। और सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या जो सर्च कमेटी ने भेजे हैं, क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्जाम हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जवाब, बोले वाइस चांसलर्स के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि अहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। हमने मेरिट से हटकर कोई बात नहीं की। समरी में बहुत कुछ लिख दिया है, दोबारा जायजा लेने का कहा है। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, दोनों सूरतों में हम साथ रहेंगे। किसी की जरूरत नहीं मुझे 2 करोड़ रुपए भेजे। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। अदालत इस्लाहात होनी चाहिए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अदालतों के पास कौमी हीरोज के मुकदमे सुनने का वक्त नहीं, अपनी मराद बढ़ाने के लिए टाइम है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुर्म सहे हैं। अदलिया को धमकी नहीं दी, कभी अदलिया को बुरा नहीं कहा, अदालत पर हमले नहीं किए। बानी पीटीआई ने अदलिया और जजों को धमकियाँ दी।